हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सूचकांक मतलब कि इंडेक्स से रिलेटेड टॉप 15 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो है पार्ट वन है, जिसमें मैं कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है, भारत का स्थान क्या है, सूचकांक कौन जारी करता है, इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस को फुल्ली डिटेल से कवर करेंगे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो है पार्ट वन है, इसके बाद आपको पार्ट टू जल्द ही मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये 13वें स्थान पे है। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है ये 13वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर जो है अफगानिस्तान है, और दूसरे स्थान पे जो है बुर्किना फासो देश है, और तीसरे स्थान पे जो है सोमालिया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में जो है पाकिस्तान जो है ये 6वें स्थान पे है, और अपना देश जो भारत है ये 13वें स्थान पे है। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये संस्था इसको जारी करती है। आप लोग जो है भारत का स्थान याद रखिए, और पहला स्थान आप लोग याद रखिए, तो पहला स्थान अफगानिस्तान का है और 13वां स्थान जो है भारत का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार 6ठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पे पहले स्थान पे जो रहा है ये रहा है फिनलैंड। तो यहाँ पे इसका जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 6ठे वर्ष लगातार जो है ये फिनलैंड जो है शीर्ष स्थान पे रहा है। विश्व खुशहाली सूचकांक में लगातार 6ठे वर्ष जो है पहले स्थान पे फिनलैंड रहा है। आप सभी लोग याद रखिएगा, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत जो है 126वें स्थान पे है, और अंतिम स्थान जो है अफगानिस्तान का है। इसको जारी कौन करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, जो कि यूएसए में स्थित है। आप सभी लोग याद रखिएगा, लगातार 6ठे वर्ष जो है फिनलैंड जो है पहले स्थान पे है, भारत का स्थान जो है ये है 126, आप सभी लोग याद रखिए, और लास्ट जो है अफगानिस्तान का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 क्यूबन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा जापान। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 क्यूबन में शीर्ष स्थान पे जापान रहा है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो ये बताता है किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों की बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अपने देश भारत का स्थान जो है ये 85वां है, और भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे चीन का जो है 66वां स्थान है, और श्रीलंका का जो है 100वां स्थान, बांग्लादेश का 101, नेपाल का 103, पाकिस्तान का 106, और अंतिम स्थान जो है अफगानिस्तान का है। तो हेनले पासपोर्ट 2023 क्यूबन में जो है ये पहले स्थान पे जापान है, और भारत का स्थान जो है ये है 85, आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो यहाँ पे वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक 2023 में जो पहले स्थान पे रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा अमेरिका। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पे जो है अमेरिका है, दूसरे स्थान पे जो है रशिया है, और तीसरे स्थान पे जो है चाइना है, और इस सूचकांक में जो है अंतिम स्थान 145वां भूटान देश का है, और इस सूचकांक में अपना देश भारत जो है 4वें स्थान पे है। पहला स्थान जो है अमेरिका है, दूसरे स्थान पे रूस है, और अगर बात किया तीसरे स्थान पे जो है चीन है, और चौथे स्थान पे जो है अपना देश भारत है। इसको जारी कौन करता है? तो ये करता है डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर। तो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अपना देश भारत बना है। सिप्री की रिपोर्ट के द्वारा भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बन गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका पिछले 5 वर्षों से दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य निर्यातक था, मतलब कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा जो है हथियार को बेचता है। अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका का जो वैश्विक निर्यात है ये 40% है,
अगर बात किया दूसरा हिस्सा जो है ये 16% रशिया का है, उसके बाद जो है फ्रांस का है 11%। अगर बात की जाए इसको जारी कौन करता है, ये सिप्री जारी करती है इसको, और सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर जो है ये स्वीडन में है। आप सभी लोग याद रखिएगा, सिप्री की रिपोर्ट के द्वारा वर्ष 2022 में दुनिया का सबसे शीर्ष हथियार आयातक देश जो है ये भारत बन गया है। और अगर बात की जाए निर्यातक की, तो निर्यातक जो है ये अमेरिका है। तो आप सभी लोग दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पे जो है पहले स्थान पे जो है डेनमार्क रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पे जो है डेनमार्क है, और भारत का स्थान जो है 108 है। इसको रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो ये करता है वी डेम इंस्टीट्यूट। आप सभी लोग याद रखिएगा, पहला स्थान जो है डेनमार्क है, और भारत जो है 108वें स्थान पे है। बस दो ये आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान जो है किस देश का है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये है अमेरिका का। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में पहला स्थान जो है अमेरिका का है, दूसरा स्थान जो है यूनाइटेड किंगडम का है। तो यहाँ पे जो है यूनाइटेड किंगडम आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए आगे, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो दूसरा स्थान जो है यूके का है, आप सभी लोग याद रखिए, और तीसरा स्थान जो है फ्रांस है। और इस सूचकांक में भारत का स्थान जो है, भारत का स्थान है 42वां। इसको जारी कौन करता है, तो ये जारी करता है यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, जिसका हेडक्वार्टर जो है अमेरिका में है। पहले स्थान पे अमेरिका है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में, और भारत का स्थान जो है 42 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पे है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, भारत जो है ये है 65वें स्थान पे। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में जो है भारत 65वें स्थान पे है। वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है 65वां है, और इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पे डेनमार्क है। इस सूचकांक में रोजगार में उतार चढ़ाव को सीमित करने और तेजी से वापस करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता का आकलन करता है। इसको रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो व्हाइट शील्ड संस्था इसको जारी करती है, जिसका हेडक्वार्टर जो है अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। तो यहां पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, भारत का स्थान जो है 107वां है। ऑप्शन यहां पे इसका सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान जो है 107वां है। इस सूचकांक में संयुक्त रूप से 17 देश शीर्ष स्थान पे हैं, मतलब पहले स्थान पे जो है संयुक्त रूप से 17 देश हैं। कौन-कौन से हैं, इन देशों में कुछ देशों के नाम मैं बता देता हूं, जैसे तुर्की, कुवैत, बेलारूस, चीन, रोमानिया और सर्बिया शामिल हैं। और बाकी 17 देशों के नाम हैं, मैंने आपको कुछ बता दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। इस सूचकांक में जो है पाकिस्तान को जो है 99वां स्थान मिला है, और यहाँ पे श्रीलंका को जो है ये 64वां स्थान मिला है, बांग्लादेश को 84वां, और 81वां जो है नेपाल को मिला है, और म्यांमार को जो है 71वां स्थान मिला है, और भारत जो है 107वें स्थान पे है। आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे जो है पहला स्थान जो है किसी एक देश का नहीं है, यहाँ पे जो है संयुक्त रूप से 17 देश हैं, जिनमें जो है तुर्की, कुवैत, बेलारूस, चीन, रोमानिया, सर्बिया शामिल हैं। और 17 देशों को नाम नहीं बताया मैंने, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 आईक्यू एयर 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये पाकिस्तान का लाहौर बना है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर जो है ये पाकिस्तान का लाहौर बन गया है, और भारत का मुंबई शहर जो है ये दिल्ली को पीछे करके जो है दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। तो पहले पे जो है पाकिस्तान का लाहौर है, और दूसरे स्थान पे जो है ये भारत का मुंबई शहर है। आप सभी लोग याद रखिएगा, दूसरे स्थान पे जो है भारत का मुंबई शहर है, और पहले स्थान पे जो है पाकिस्तान का लाहौर शहर है। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है। तो आर्टन कैपिटल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे है। तो यहां पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, भारत जो है 144वें स्थान पे है,
ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत जो है 144वें स्थान पे है और इस सूचकांक में जो है शीर्ष स्थान पे जो है संयुक्त अरब अमीरात यूएई है, दूसरे स्थान पे स्वीडन है और तीसरे स्थान पे जो है जर्मनी और फिनलैंड संयुक्त रूप से हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा भारत का स्थान जो है 144वां है और पहले स्थान पे जो है यूएई है, आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस 2023 परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है, तो यहां पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये उत्तराखंड की झांकी ने जीता है, तो यहां पे इसका जो है सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस में शामिल उत्तराखंड की झांकी जिसकी थीम या फिर टाइटल क्या था, तो ये था मंदिर माला मिशन के अंतर्गत जो है मानस खंड था, आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहां पे पहला पुरस्कार जो है ये उत्तराखंड की झांकी ने जीता है, ऑप्शन यहां पे सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा दिए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% अनुमोदित रेटिंग के दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता कौन बने हैं, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तो यहाँ पे इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा दिए गए सर्वेक्षण के अनुसार मोदी जी को जो है 78% अनुमोदित रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। अगर बात की जाए दूसरे स्थान पर लोकप्रिय नेता कौन है, तो ये मेक्सिको के राष्ट्रपति जो हैं एड्रिस मैनुअल लोपेज ओबेडोर दूसरे स्थान पे हैं जिनको जो है 68% अनुमोदित जो है रेटिंग मिली है। इसको जारी कौन करता है, मॉर्निंग कंसल्ट जारी करती है जो कि जिसका हेडक्वार्टर जो है ये अमेरिका में है। इसमें जो है पहले स्थान पे लोकप्रिय नेता जो हैं सबसे ज्यादा ये श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पे है, तो यहां पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 में कौन सा जो विश्वविद्यालय है ये शीर्ष स्थान पे है, तो यहां पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहां पे इसका डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका में है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शीर्ष स्थान पे रहा है। अगर बात की जाए आईआईटी जो कानपुर है ये पहली बार जो है टॉप 100 में शामिल हुआ है। आईआईटी कानपुर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो कि 87वें स्थान पे है। आईआईटी बॉम्बे जो है गणित में 92वें स्थान पे है। आईआईटी मद्रास जो है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में जो है 21वें स्थान पे है और आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग जो है ये 49वें स्थान पे है। इसको जारी कौन करता है, इसको जारी जो संस्था करती है ये करती है क्वेकबेरेली साइमंड्स जिसका हेडक्वार्टर जो है इंग्लैंड में है, मतलब कि ब्रिटेन में है। तो यहां पे इसका जो है डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका को जो है पहले स्थान पे यूनिवर्सिटी और भारत की जो यूनिवर्सिटी शामिल है मैंने आपको सारा बता दिया है। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक से दो दिन में इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे है, तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत जो है 8वें स्थान पे है, तो यहां पे इसका डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत जो है 8वें स्थान पे है और इस सूचकांक में पहले तीन स्थान पर कोई भी देश नहीं है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे जो है कोई भी देश नहीं है इस काबिल कि इन तीनों स्थान पे आ सके। तो डेनमार्क जो है ये चौथे स्थान पे है और अंतिम स्थान जो है ईरान का है जो कि 63वां है और भारत जो है किस स्थान पे है, भारत जो है 8वें स्थान पे है और चौथे स्थान पे डेनमार्क है। पहले दूसरे और तीसरे स्थान पे कोई भी देश नहीं रहा है, कोई भी देश इस काबिल नहीं है कि वो पहले और दूसरे और तीसरे स्थान पे आए। अगर बात की जाए इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो इस रिपोर्ट को जो जारी संस्था करती है जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये संस्था इसको जारी करती है। पहले दूसरे तीसरे स्थान पे कोई भी देश नहीं है, चौथे स्थान पे डेनमार्क है, अंतिम स्थान पे ईरान है, भारत जो है 8वें स्थान पे है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पे रहा है, तो यहां पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन यहां पे सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। भारत जो है तीसरे स्थान पे है। द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी
आबादी में तीसरे स्थान पे है। अगर बात की जाए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे अधिक अरबपतियों के साथ पहले स्थान पे रहा है और इस सूचकांक में जो है तीसरा स्थान जो है भारत का है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? नाइट फ्रैंक संस्था इसको जारी करती है। ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहले विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।